हेलो दोस्तों, तो आ गया है मेरा पार्सल वायरलेस माइक और इसको आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है कंपनी के तरफ से और ये कैसे यूज़ होता है और इसकी बैटरी बैकअप क्या है, इसका साउंड कैसा है। ठीक, तो चलो फिर इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूँ लोकेश्वर साहू और आज हम करने वाले हैं वायरलेस माइक। वीडी का है वायरलेस माइक और देख लो ये आ गया। अब चलो इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पार्सल। अब इसको हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर इसको ओपन करते हैं। तो ये एक डब्बे के साथ पैक होके आया है। तो ये देख लो, वी डी। ठीक है, ब्लूटूथ रिसीवर और इसमें देखो बिल्ट इन माइक और हैंडसेट कॉलिंग, ऑटो कनेक्टेड, मल्टी पॉइंट, A2DP, ऑक्स पॉट, ये बहुत सारे दिए हैं। उधर क्या प्रोडक्ट का, इधर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन भी दिया गया है। ठीक है, तो रुको आपको मैं अच्छे तरीके से दिखा। तो देख सकते हैं आप, इसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दिया है, नेमाफिमपटर दिया गया है, मतलब इसकी पूरी जानकारी यहाँ दिया गया है। ठीक है, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसे ओपन करके दिखाने वाला आपको। ठीक है, देख रहे हैं इसका बॉक्स है। ठीक, तो ये रहा हमारा, ये तो खाली है, ये माइक और ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप। और ये है हमारा माइक, देख सकते हैं। तो कितना मस्त दिख रहा है कि नहीं, वीडी का है। ठीक है, ये देख सकते हैं। और इसमें दिया गया है, देखो चार्जर पिन दिया गया है और एयरफोन वाला भी दिया गया है और इसमें वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए दिया गया है, ये ऑफ़ और ऑन करने के लिए दिया गया है। और इसमें हमें एक मिला है ये लीड, दूसरा ये है हमारा चार्जर पिन। ठीक है, और ये तो कई मोबाइल पर डायरेक्ट क्या बोलते हैं कनेक्ट नहीं होता, इसके लिए हमें प्ले स्टोर से एक एप्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम जो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद कनेक्ट होगा। और इसमें देखो इसमें क्या दिया है, ये चिप दिया गया ताकि हम ऐसे इसको कॉलर पे अटैच कर सकते हैं, है नहीं। तो ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त दिखने में भी देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है कि नहीं। और अब देखते हैं ये आखिर काम कैसे करते हैं। ये रहा इसका माइक और शायद एक और यहाँ पे दिया गया है ना। तो गाइज हमें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में और एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं हम लोग प्ले स्टोर पे और सर्च करते हैं BT Mono। ठीक है, BT Mono करके, तो ये ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है। और तो फिर चलो ओपन करते हैं, यहीं से हम ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है तो इसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे।
तो ये होने वाला है ओपन। अब इसमें हमें कुछ अलाव मांगेगा, इसको अलाव कर लेना है। उसके बाद फिर देखो ये जो ऑन है ना, इसको हमें ऑन को रखना है। अब हो गया हमारा ये ऑन। अब फिर करते हैं कनेक्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ न्यू पेयर न्यू डिवाइस करके दिए तो हमें आ गया J21। अब इसे हमें करना है इसे जाके पेयर, तो ये हो रहा है कनेक्ट। अब ये आ गया पेयर का ऑप्शन, कर दिया हमने इसको पेयर। अब हो गया हमारा कनेक्ट, है कि नहीं। तो अब देखते हैं फिर इसका साउंड क्या है, कैसा है। ओके, हेलो दोस्तों। तो देख सकते हैं आप हैं आपकी मैंने माइक को चालू कर दिया और कनेक्ट कर दिया है इससे। अब सुन सकते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है, आप तक कैसे आ रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। पहले मैं जो बना रहा था वो मोबाइल से बना रहा था ऐसे डायरेक्ट, और अभी मैंने कनेक्ट किया है ये VD का जो वायरलेस माइक है। और इसकी साउंड कैसी है ये आप कमेंट करके बताना, और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेज़न से खरीद सकते हैं। डायरेक्ट लिंक क्लिक करके आप अमेज़न पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस है बहुत ही सस्ता है, लगभग 800 रुपये के आसपास मिलेगा, और वो भी डिलीवरी चार्जेस पे एक्स्ट्रा नहीं है। तो देख सकते हैं आप, चीपेस्ट मतलब एक सस्ता माइक के हिसाब से अच्छा है। अब महंगा माइक लोगे तो भाई उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लेकिन सस्ता वायरलेस अगर आपको माइक चाहिए तो ये बेहतर है मेरे हिसाब से। और आपको कैसा लगा आप आवाज़ इसका, आप कमेंट करके बताना जरूर। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हम आपको कुछ नए नए टिप्स देते रहेंगे और आपसे भी कुछ नए नए टिप्स लेते रहेंगे। और जो भी बात है आप कमेंट करके बताना जरूर कि क्या कमी लग रही है, क्या सही लग रहा है और क्या सही नहीं लग रहा है, तो अपने हिसाब से बिल्कुल बताना। हम अभी लगभग 2-3 मीटर की दूरी में हैं, मैंने मोबाइल को दूर में ऐसे रखा हुआ है और फिर अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप बताएं मेरे को कि इसका साउंड कैसा है। और आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं थोड़ा ग्रो कर सकूँ और आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखूँ, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।